मेहता साहब, इस बार नवरात्रि में आपकी जगह अंजलि अभी संचालन करेगी। लग तो यही रहा है भाई भिड़े। अरे आपने बताया नहीं मेहता साहब। अरे बताता तो तब ना, जब मुझे पता होता सरप्राइज है मेरे लिए भी। जेठालाल, ये जिम्मेदारी मुझे बबीता जी ने सौंपी। ओ थैंक यू बबीता जी। क्या बात है। वाह 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 बबीता जी वाह। ये अंजलि पापी को संचालन देने का आइडिया बहुत जबरदस्त, बहुत धटके हैं। नहीं अय्यर भाई, थैंक यू सो मच। ओ यारो, मेहता साहब के इधर रह रह के अंजलि पापी भी आदि लेखिका तो बन गई है ना। अरे तू व्हाट कर रही है रोशन, मतलब तेरे साथ घर पे रहते रहते मैं अड्डी मैकेनिक बन गई हूँ। ओ मेरी पोली रोशन, ओ मैं क्या घर में गड्डियां रिपेयर करता हूँ। अरे पर मेहता साहब तो घर में शेरो शायरी करते रहते हैं ना। हाँ बराबर बोले सोड़ी भाई। भाई एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है, और अंजलि भाभी को तो पूरा दिन मेहता साहब की शेरो शायरी सुननी पड़ती होगी। अरे भाई पड़ती का क्या मतलब है पोपटलाल है। अरे पर्ची का प्रयोग तब होता है वाक्यों में जब कोई आप मन से करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तब कहते हैं कि पढ़ता होगा पढ़ती होगी है। नहीं, मेरा मतलब है शेरो शायरी सुनती रहती है। हाँ। अरे भाई तो ऐसा बोलो ना कि सुनती होगी पढ़ती होगी, शायरी सुननी पड़ती होगी। अरे भाई इस घर में कुछ करना पड़ता है ना तो मुझे करना पड़ता है, मेहता हाउस में सिर्फ अकेला मैं हूँ जिसे कुछ करना पड़ता है, यानी कि डाइट फूड खाना पड़ता है। अच्छा आपको डाइट फूड खाना पड़ता है क्योंकि मुझे आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात। अरे ओ पोपटलाल यार बस करो अभी यार, आज का शुभ दिन पे तुम क्या यार मेहता साहब और अंजलि भाभी के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हो। मैंने कहा झगड़ा करवाया भाई। अरे पहले तुमने बोला वो कविता सुननी पड़ती है, अभी फिर वो अंजलि भाभी ने कुछ बोला तो वाह 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 वाह। अरे बस करो भाई तुम सब लोग। अरे भाई तुम लोग ही बोलते रहोगे तो जिसे बोलना है उसे बोलने दोगे। अंजलि बेटा तुम संचालन शुरू करो। जी चाचा जी थैंक यू। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ मैं नवरात्रि 2020 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार हम सब साथ होकर भी एक साथ नहीं है, तो इस बार आप सब अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर ही गरबा उत्सव का आनंद लेंगे और हर जोड़ी के गरबा पर कमेंट देंगे। ओए खबरदार पप्पू, जो तूने हमारे गरबे पे ऐसी वैसी कमेंट की है तो। अरे भाई सोड़ी तुम गलत समझ रहे हो, पोपटलाल के कहने का मतलब ये है कि जो जो जोड़ियां परफॉर्म करेगी उनकी परफॉर्मेंस पे हम लोग प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। हाँ। मेहता साहब मैंने पता है, मैं तो पोपू की फिरकी ले रहा था। अरे भाई उसकी फिरकी तो किस्मत वैसे ही ले रही है। सोड़े इसका जवाब मैं अपने घर में से दूंगा। ओहो क्या बात है पोपट भाई। क्या बात है पोपटलाल, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अरे भाई पोपटलाल का जोड़ीदार कौन है। बबीता जी। ये सब उसका कमाल है। नहीं अय्यर भाई। ऑफ कोर्स। तो गोकुल धाम वासियों इस नवरात्रि में आप सबको जोड़ी में बारी बारी स्टेज पर आकर माता जी का गरबा करना है। और हाँ हमने बड़ी प्लानिंग के साथ ये डिसाइड किया है कि जिसे जब आना है वो आ सकता है, कोई क्रम नहीं है। अच्छा 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 क्या है, प्लानिंग किया कोई क्रम ही नहीं है। आसू देना सालिद। पर गौर करें इस बार आपका गरबा लाइव टेलीकास्ट होने जा रहा है, मतलब फेसबुक पर आपको हजारों लोग देखेंगे। तो जिसका गरबा अच्छा होगा माता जी के भक्ति भाव से परिपूर्ण होगा, और जिसे सबसे ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिलेंगे जाहिर है वही जोड़ी नंबर वन बनेगी। हंस सबने एकदम जी जान से मेहनत की है, पता नहीं कौन नंबर वन होगा। सही बात है कोमल, देखना जयडालाल हमारा जोड़ी नंबर वन बनेगा।
मुझे विश्वास नहीं है। क्या नहीं, मतलब इतने मजबूत दावेदार लोग हैं, उसमें अगर हम जीत भी गए तभी मुझे विश्वास नहीं होगा। ऐसा? अरे वाह, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि एकदम अलग और इंटरेस्टिंग होगी। अरे भाई वो तो होगी ना भाई, नवरात्रि का आयोजन इस बार किसने किया? साक्षात बबीता जी ने। ने यार भाई। थैंक यू, बट यू नो ऐसे सरकमस्टेंसेस में हमसे जितना हो पाए हमने उतना ही किया है। अरे नहीं नहीं बबीता जी बहुत बढ़िया हुआ है, जबरदस्त हुआ है। हां यार भाई, हां तो बोला यार, उनको ऐसा लग रहा है कि परवाह नहीं है। बोला ए यार भाभी बोल रहे हैं बबीता जी। हां